शोएब अख्तर ने दी टीम इंडिया को चेतावनी, एक साल में खत्म हो जाएंगे जसप्रीत बुमराह। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के एक्शन और फॉर्म को लेकर अक्सर चर्चा चलती रहती है। कई पूर्व दिग्गजों का मानना है कि बुमराह जिस तरह से एक्शन से गेंदबाजी करते हैं उससे उनके चोटिल होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। अब इस गेंदबाज को लेकर शोएब अख्तर ने भी टीम इंडिया को चेतावनी दी है। पाकिस्तानी दिग्गज का मानना है कि अगर टीम इंडिया बुमराह का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट लंबा रखना चाहती है तो उन्हें हर मैच में नहीं उतारना चाहिए और उनके वर्कलोड को मैनेज करना चाहिए। आपको बता दें कि बुमराह 5 साल से ज्यादा समय से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन 2019 के आखिर में पीठ में लगी चोट के बाद उनकी फॉर्म में गिरावट देखने को मिली। हालांकि तेज गेंदबाज ने अपनी पीठ की सर्जरी से परहेज किया और दोबारा क्रिकेट मैदान पर वापसी की, लेकिन वो पहले जैसे असरदार नहीं दिखे। उनका इकोनॉमी रेट भी बढ़ गया और विकेट भी पहले जितने नहीं मिल रहे। शोएब अख्तर ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि बुमराह फ्रंटल एक्शन से गेंदबाजी करते हैं। ऐसे गेंदबाज गेंद डालते वक्त अपनी पीठ और कंधे का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम लोग साइड ऑन गेंदबाजी करते हैं। इसी वजह से हमारी पीठ और कंधे पर उतना जोर नहीं आता था। फ्रंटल एक्शन के साथ आपको कोई रियायत नहीं मिलती। अगर आपके पीठ और कमर में चोट लग गई तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने इस एक्शन की वजह से वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज इयान बिशप और शेन बॉन्ड की हालत खराब होते हुए देखी है। बुमराह को भी इस दिशा में सोचना चाहिए कि मैं एक मैच खेलूं और फिर क्रिकेट से ब्रेक लूं और रिहैबिलिटेशन में जाऊं। उन्हें अपने वर्कलोड पर काम करना होगा। पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज ने आगे कहा कि अगर आप बुमराह को हर मैच में उतारोगे तो एक साल में पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उसे किसी भी सीरीज में 5 में से 3 मैच में ही उतारो। बुमराह अगर सालों साल भारत के लिए खेलना चाहते हैं तो उन्हें इस एक बात का ध्यान रखना होगा। बुमराह फिलहाल टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड दौरे पर गए हैं। देखना होगा कि शोएब अख्तर की ये सलाह टीम इंडिया कितना मानती है। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।